गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड आई वेलकम यू फॉर द सेक्शन डी ऑफ द सैम्पल पेपर स्टूडेंट फॉर 12th सीबीएसई केमिस्ट्री विच वी आर सॉल्विंग। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने आपको सैम्पल सी की डिटेल्स बताई कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है पेपर में, कैसे सॉल्व करना है और जैसे जैसे मार्क्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या लिखना है। और आज का जो डिस्कशन है वो लास्ट है इस पेपर में, सेक्शन डी जो है उसके ऊपर हम कर रहे हैं। और थोड़ा सा रिवीजन है कि हमने ये लास्ट टाइम भी किया लेकिन क्योंकि सेक्शन डी को आज डील कर रहे हैं इसलिए इसको मैं दोबारा से देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर है स्टूडेंट सैम्पल पेपर में वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स टेंड टू बी अनरिएक्टिव विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द सीरीज। इसका आंसर हमने ऑलरेडी आपको दिया था, क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर क्या था स्टूडेंट, फर्स्ट का क्या आंसर दिया हमने कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स टेंड टू बी अनरिएक्टिव विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब जब एटॉमिक नंबर बड़े थे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही थी, हमने देखा था 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। यस सर, सर दिस इज बिकॉज़ ऑफ हायर आयनाइजेशन एनर्जीज। हायर आयनाइजेशन एनर्जी, तो दो yes. बातें हमने बताई थी कि दो बातें क्या बताई थी, क्या हो रहा था, पहला विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स, ठीक है। 3D सीरीज ले लो, 4D क्या होता है, जैसे जैसे इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर तो होता क्या है, देयर इज अ इंक्रीज इन इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, यस सर, और उसके कारण क्या हुआ, देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया स्टूडेंट तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, हमें देखो एग्जाम में लिखना कैसे है बहुत सोच समझ के, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीज, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उससे क्या होगा कि रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। और जनरल हमने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं स्टूडेंट वो एक अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर भी फॉर्म कर सकते हैं जिससे कि वो अनरिएक्टिव हो सकते हैं। Okay, जो क्वेश्चन हमने ये कर दिया और हमने फिर ये बताया कि डी एलिमेंट्स एक्सिबिट मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एफ ब्लॉक में आपने देखा हमने लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पढ़े थे और आपने देखा था कि लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है, कौन सी है, +2, +3 कॉमन है और +2 और +4 कुछ ही शो करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में आपने देखा स्कैंडियम, टिटेनियम, मैंगनीज तो +2 से +7 तक जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था स्टूडेंट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है स्टूडेंट, क्या आंसर लिखा था हमने, जो सेकंड पार्ट का आंसर हमने क्या लिखा, 31 का सेकंड आंसर क्या लिखा, देखो जितने जब ऑर्बिटल्स की पार्टिसिपेशन के ऊपर होता है कि कितने ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट में आपने देखा कि एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ये सब पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसके कारण क्या होता है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ज्यादा होती हैं। तो इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने क्या बताया, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स S and D orbitals both are participating in the bonding. Yes, sir. तो उसके कारण उनकी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाती है। Okay. और F में क्या होता है कि F block elements में F की shielding D से भी poor होती है student. तो शील्डिंग पुअर होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर दिखाई देती है, ठीक है। यस सर, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स
in F block element student due to poor shielding of electrons of F orbital. अगर शील्डिंग पुअर हो जाती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं आउटर मोस्ट में, वो न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली खींच लेता है, ठीक है? Yes, अब वो न्यूक्लियस उनको खींच लेता है तो वो फिर उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या बॉन्ड के कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो कर नहीं पाते, फिर वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, वो इनर्ट टाइप से हो जाते हैं, यही मतलब था। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर देयर आर लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इज इट राइट? यस सर। अच्छा, तो इस तरह से हमें आंसर्स को लिखना है पेपर में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। अगर आप देखो एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है, जब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन आंसर, उसको अपने पास रखिए और खोलिए, वो पेज खोलिए जहाँ पर हमने बताया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है आपने कैसे बनाया, कैसे बनाया, तो एक क्रोमाइट ओर होती है, क्या होती है? क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर, यस सर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्रोमाइट ओर होती है, और उसका फार्मूला क्या लिखा है बुक में, क्या लिखा है क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला स्टूडेंट, क्या लिखा है? एफ ई सी आर टू ओ फोर, ये फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ध्यान से देखो। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है ग्रीन क्रोमियम कंपाउंड। अब होता क्या है कि ये जब मैं हीट करता हूँ स्टूडेंट, तो ये टूट जाएगा और बनाएगा एफ ई टू ओ थ्री, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करने से ये टूट जाता है स्टूडेंट, और हाई टेम्परेचर होता है 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, हाई टेम्परेचर पर इसको हम हीट करते हैं स्टूडेंट, तो ये ऑक्साइड ऑक्साइड हो जाए, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन होगी तो आयरन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएगा, और क्रोमियम यहाँ पे सी आर टू ओ थ्री ये टूट के बाहर आ जाएगा, इसी की वो बात कर रहा है ग्रीन क्रोमियम, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, तो ये ग्रीन कलर का कंपाउंड था इसका मतलब स्टूडेंट, और ये आपका ए है, यहाँ पर ए हमारा है सी आर टू ओ थ्री स्टूडेंट, तो ये ग्रीन कलर का है, इसका क्या कलर है? ग्रीन कलर। देखो इसमें मैंने आपको स्पेशली बताया था कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर के बेस पे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कली, अगर यहाँ पर एल्कली क्या है NaOH, तो एल्कली के साथ हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन किया जा रहा है, फ्यूजन का मतलब होता है कि इसको एल्कली और ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, ये आप ये कह रहा है कि येलो कंपाउंड भी बनता है, येलो कंपाउंड आपको पता है येलो कलर का कंपाउंड कौन सा है, क्रोमेट्स जो होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे NaOH यूज हुआ है तो Na2CrO4 इसे बोलते हैं सोडियम क्रोमेट स्टूडेंट, तो ये बनने वाला है यहाँ पर, इसका कलर होता है येलो। यस सर, तो येलो कलर का कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है हम यूज कर रहे हैं प्रेपरेशन किसकी कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, मतलब Cr2O7 की, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए आपको पता है कि पहले सोडियम क्रोमेट बनता है, और इसमें आपको पता है कि Na2CrO4 में, देखो Na2CrO4 में ये -2 होता है और ये +2 है और ये (4) है, तो ये कितनी स्टेट होगी, माइनस, ये +6 में है, यस सर, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ सोडियम जो क्रोमेट, और अगर मैं Cr2O7 2 माइनस में जाऊंगा तो ये किस में कितने आया देख रहे हैं, तो ये ऑक्सीड हमने Cr2O7 मतलब स्टेट में बनाना है स्टूडेंट, और इसको मैं ऐसे भी लिखूं 2Na+CrO4 2 माइनस, ठीक है? Yes, तो ये हो गया 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर हमने क्या करना स्टूडेंट कि इसको
फर्दर कन्वर्ट करना है, सो हम इन्हें इसको डाइक्रोमेट बनाना है. क्या बनाना है? डाइक्रोमेट. यस सर. तो डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमने क्या किया, Na2Cr4, आगे वो क्या कर रहा है, ये कंपाउंड कौन सा है, बी, और ये येलो कलर का है. इसका एसिडिफिकेशन किया जाता है स्टूडेंट, इसके अंदर एसिड डाला जाता है. तो एसिड के डालने से स्टूडेंट क्या बनाएगा, ये बना देगा क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाएगा. क्या बन जाएगा? क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाएगा स्टूडेंट. तो आपको मिला 2Na2CrO4, देख क्रोमेट है, इसमें आपने एसिड डाला स्टूडेंट, और आपको क्या मिल गया, Na2Cr2O7, ये डाइक्रोमेट मिल गया. और सोडियम सल्फेट, ये एक तरीके से प्रेसिपिटेट सी बन जाती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चले जाती है. इसको बैलेंस करना चाहें तो कर लो. तो Na2 4 हो गया, 8 हो गया, और 4H2O वाटर हो गया. इस तरह से ये सोडियम डाइक्रोमेट जो है स्टूडेंट, ये बन जाता है. सो यस सर, ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, ऑरेंज कलर का. तो हमारे को अब बनाना तो था डाइक्रोमेट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का वो यूज कर रहा है. अगर मैं KCl का यूज करूं तो ये K2Cr2O7 बन जाएगा. Yes. आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड. तो पोटेशियम क्लोराइड से बनता है K2, लेकिन इसने चेंज कर दिया. अब ये कह रहा है कि ये कंपाउंड सी है, और सी ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनियम क्लोराइड. अब सी को हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दिया, तो अब ये क्या बनाएगा स्टूडेंट, ये बनाएगा अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट बन जाएगा स्टूडेंट. ये कंपाउंड हमारा डी है, ये भी ऑरेंज कलर का है. ये क्या है, ऑरेंज कलर का है. और ये 2NaCl, Na बचा है, और यहाँ से Cl बचा है, तो 2NaCl हो गया स्टूडेंट. यस सर. तो अब ये ABCD हमने आइडेंटिफाई कर लिए स्टूडेंट. ये हमारा ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी है. अब उसने ये कहा कि मैंने डी क्या लिखा, डी ऑन हीटिंग डिकम्पोजिट बैक ए. इसीलिए हमने ए को ये माना था, क्योंकि नहीं तो हम इसका क्रोमाइट यूज करते बनाने के लिए. yes, क्योंकि ये हीट करने सर, तो अगर आप हीट करोगे स्टूडेंट तो ये टूट जाएगा, इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, ये क्या बन जाएगा, Cr2O3 बन जाता स्टूडेंट. ये ग्रीन कलर है जो पहले वाला था, पहले वाला ग्रीन कलर बन जाता स्टूडेंट, और 4H2O. इस तरह से ये रिएक्शन हमें पेपर में दिखानी पड़ती है. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और इनमें हर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मुझे पूरी, और ABCD को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये दो हमने आपको बताए प्रेपरेशन, दोनों ही ओर्स से बनाए जाते हैं, दोनों ही ओर्स से बनाए जाते हैं. तो एक हमने बताया आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा हमने बताया पोटेशियम परमैंगनेट. कौन सा बताया, पोटेशियम परमैंगनेट. यस सर. तो यहाँ पर सारी जो रिएक्शंस हो रही हैं, और सॉल्युबिलिटी और प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हर तरह की होती है, जिसके कारण ये सारा होता है. इसमें कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. हमने आपको खास वेरिएशन बताऊं तो आपको पता है कि ये कलर आपको पता ही होने चाहिए. Cr2O7-2- जो आयन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है स्टूडेंट, याद रखना एग्जाम के लिए. और क्रोमेट आयन जो होता है स्टूडेंट, उसका कलर क्या होता है, ये येलो कलर का होता है. यस सर, क्रोमेट आयन येलो कलर का होता है. और क्रोमियम 3+ के जो आयन्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं स्टूडेंट, हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं. और Cr3 जो है वो रेड कलर का होता है स्टूडेंट. और एक और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, Cr2OCl2 क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपने सुना होगा, ये रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं वेपर्स. क्या होता है, रेडिश ब्राउन. तो ये कलर इसमें इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ऐसे कलर्स के ऊपर बनते हैं.
तो इनको नोट कर लो, मैंने इसलिए बताया कि ऐसे कलर में पता होने चाहिए, फिर ये सही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट बने और कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है. यस सर. अच्छा अब देखो, इंटरनल चॉइस मिली हमें. क्या मिली? इंटरनल चॉइस. व्हाट मे बी द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन विच द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम. अभी अभी हमने आपको एक क्वेश्चन में आंसर किया कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत सारी शो करते हैं. yes, sir. क्यों? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एस और डी ऑर्बिटल्स में होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में, बॉन्डिंग फॉर्मेशन में. अब ये कह रहा है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है. देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास 3D3 है पहला, तो आपका 3D3 का मतलब 4S2 और 3D2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है. देखो, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछा गया. देखो यहाँ पर अगर मैं एस के दो इलेक्ट्रॉन यूज कर लूं तो +2 बनता है, और फिर क्या बनता है? +3 बनता है, और +4 बनता है, और सारे 2+3 कर दूं 5 तो +5 जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है. और सेकंड केस में क्या हुआ? 3D5 लिखा है तो 4S2 है और 3D5 है स्टूडेंट, 3D5 है. yes, तो ये हमारा 3D5 कह रहा है, और 3D5 में दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो 4S1 वाला भी है और एक 4S2 वाला भी है. ठीक है. yes, sir. देखो, जब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं 3D5 लिखता हूँ तो एक 4S1 वाला भी है और एक 4S2 3D5 भी है. ये कौन सा एलिमेंट? क्रोमियम है ये, और ये मैंगनीज है. हाफ फील्ड वाला मोर स्टेबल हो जाता है, उसमें देखा था आपने. तो इस केस में स्टूडेंट आप देख रहे हैं +2 +3 +4 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 5+1 6+6 तक. यस सर. इस केस में मैक्सिमम +7 तक आया मैंगनीज का, और मैंगनीज कहाँ से गया? +2 +3 पे गया, +5 पे गया, +4 पे गया, +4. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इसमें हैं. यस सर. +4 +5 सबसे ज्यादा ये शो करता है मैंगनीज. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच एलिमेंट इन द ट्रांजिशन एलिमेंट 3D में, और वैसे +8 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम की है. तो सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज शो करता, +2 से +7 तक चले गया. उसके बाद में 3D8 आया, तो 4S2 3D8 हो गया. अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं स्टूडेंट, 3D8 का मतलब क्या? देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 1 2 3 4 एक और है, 5. यस सर. तो ये पेयर्ड हो गया 6, ये 8 हो गए. इसके बाद सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं स्टूडेंट तो फिर क्या होता है? फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम हो जाती है. तो जब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम हो जाती है. ठीक है. yes, अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? तो इसमें देख रहे हैं हम आप कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बनने वाली. अगर दो इलेक्ट्रॉन एस के चले जाए तो +2, और एक ये चले जाए तो +3, और एक और चले जाए तो +2. इस तरह से इसके अंदर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बननी है. यस सर. अब ये कह रहा 3D4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4S2 होगा तो ये बनेगा. yes, नहीं sir. ये 4S1 3D5 yes, चले जाएगा, वही वाला इसमें आ जाएगा. तो वो फिर हमने ऑलरेडी लिखी दी है ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्राउंड स्टेट में कह रहा है वो, बट मे बी द पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग इन द ग्राउंड स्टेट कह रहा है, एक्साइट ग्राउंड स्टेट में. तो ग्राउंड स्टेट में स्टूडेंट 3D4 होता नहीं. यस सर. नॉट एग्जिस्ट.
does not exist, वो 3D5 हो जाएगा, ये वाला बने बच होएगा ही नहीं, ये सीधा 3D5 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आंसर में हमें ऐसे लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स पेपर में. यस सर. अच्छा आप ये कह रहा है, आप ये क्या कह रहा है कि which write the main product formed, write the main product formed when propanol reacts with the following reagent. Propanol, yes sir. पहले का आंसर, ये कौन सी रिएक्शन है? प्रोपेनल क्या होता? 1, 2, 3 CH2CH3. ये कौन सी रिएक्शन है जब हम ड्राई HCl में CH3OH को डालते हैं? स्टूडेंट अब रिएक्शन समझ में आ गई आपको, कौन सी रिएक्शन मैं कर रहा हूँ? H प्लस. यस सर. ड्राई HCl है, ये ड्राई H प्लस की प्रेजेंस में क्या होता है? तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी और ये क्या बनेगा स्टूडेंट? 2 मोल कह रहा है, तो आपको पता ही है हेमी एसिटाइल और एसिटाइल फॉर्मेशन क्या हुआ था स्टूडेंट्स. एक तो आपका OCH3 आया और ये क्या बन गया, ये OCH3 न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इसके ऊपर जब प्रोटोनेशन yes, हो जाती है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो एक क्या बनता है CHOCH3 और OH, ये हेमी एसिटाल है लेकिन ये फर्दर रिएक्ट करता है CH3OH के साथ. 2 मोल दिए हैं ना इसने, इसलिए कितना क्या yes, तो ये एक है दूसरे मोल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा CH3CH2CHOCH3OCH3, तो वो एसिटाल फॉर्मेशन हो रही है. ये आपने रिएक्शन पढ़ी थी अल्कोहल में स्टूडेंट, अल्कोहल में रिएक्शन पढ़ी थी एसिटाल फॉर्मेशन, कीटाल फॉर्मेशन कीटोन्स में पढ़ी थी, याद आई? यस सर. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम बार बार का ग्लूकोज में भी यही होता है, हेमी एसिटाल फॉर्म हो जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जब हमने बनाया था. क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कौन सा, जल्दी से बताइए. अगर मैं इसको रिएक्ट कर दूं स्टूडेंट, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो बताओ क्या होगा? ये कौन सी रिएक्शन बता रहा है स्टूडेंट, कौन सी रिएक्शन है, क्या नाम है इस रिएक्शन का? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, 2 रिएक्शन मैंने बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एल्डोल कंडेंसेशन बनाई थी, एक एक एल्डोल कंडेंसेशन, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हमने बताई और एक कैनिजरोज रिएक्शन, याद आई? एल्डिहाइड और कीटोन्स में हमने की थी. यस सर. क्या प्रोडक्ट बनेगा फिर, 1 मिनट का वक्त मिलेगा आपको, सिर्फ जल्दी से सोच लीजिए. एल्डोल कंडेंसेशन याद करिए, वो कब होती है? जब अल्फा हाइड्रोजन होते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर, जब अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एल्डोल. एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और अल्कोहलिक ग्रुप भी होगी. एल्डोल याद आया? एल्डोल. यस सर. एल्डोल कंडेंसेशन, और वो हीट करने पर टूट जाते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बन जाते हैं, अल्फा बीटा. यस सर. कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाते हैं स्टूडेंट. तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सी है, यहाँ पर दिख रही है अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन अल्फा है, तो होगा क्या स्टूडेंट फिर? इसको कैसे करने का तरीका मैंने क्या बताया था, इसका मैकेनिज्म आपको पता है कि मैं कैसे लिखता हूँ CH3CH2C, ये डबल बॉन्ड O है और ये H है स्टूडेंट. तो पहले तो ये कार्बन आयन बनना है, डाइल्यूट NaOH के साथ क्या होगा कि ये CH, यहाँ ये वाली अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी और ये CH3 और CHO लगा है, ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये बनने वाला है कार्बन आयन. हाइड्रोजन कहाँ से जाएगी, यहाँ से अल्फा से, अल्फा हाइड्रोजन. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो ये रिएक्शन भी नहीं होती स्टूडेंट. तो इसका अगर मैकेनिज्म याद आया है तो कार्बन आयन, ये कार्बन आयन बनता है स्टूडेंट. तो यहाँ पे कार्बन कौन सा बनना है, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन कम कर दी तो ये वाला कार्बन आयन बना. अब रिएक्शन आसान हो जाती है ये बनने के बाद स्टूडेंट, तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा,
तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच टू और ये सी एच है मेरा, ये ओ एच बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा सी एच, ठीक है, और ये यहाँ पे सी एच थ्री लगा हुआ है और ये सी एच, तो एल्डोल बन गया, ओ एच ग्रुप भी है। ये अनस्टेबल होते हैं स्टूडेंट, इनको हीट करने पे ये टूट जाते हैं, ये हीट का सिंबल है, तो ये क्या बनाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये एच और ओ एच जाएंगे बाहर, ये भी जा सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल वाला जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला तो वो बनने वाला है। तो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा, सी अगर सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ये डबल बॉन्ड सी, ये एच तो निकल गया, एच तो निकल गया, वाटर निकलना था ना, एच गया, यस सर, बचा क्या सी एच थ्री और यहाँ पर ये सी एच ओ। तो आप देख रहे हैं कि ये वाटर का लॉस हो जाता है जब हीट करते, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स बन जाते हैं। ये अल्फा पोजीशन पर है, ये बीटा पर है, तो इस तरह से माइनस वाटर। तो यहाँ पर ये एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल था, स्टूडेंट रिएक्शन इसलिए दी थी। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कैनिज़रो और एल्डोल कंडेंसेशन में, रिएक्शन में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुई है बाय हीटिंग विद, तो क्या प्रोडक्ट बनता है जब हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट, कौन सी रिएक्शन है, KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल, याद करो बताओ कि मैंने रिडक्शन बताई थी, रिडक्शन की रिएक्शन बताई थी, अब ये कौन सी रिडक्शन है, कौन कौन सी रिडक्शन की थी आपने स्टूडेंट, हाइड्रोजन में जब मैंने रिडक्शन की थी स्टूडेंट कौन सी रिएक्शन की थी, याद करो और जल्दी से बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। क्या बनता है, एक रिडक्शन है हाइड्रोजन, रिडक्शन है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये, अगर इसकी रिडक्शन कर दी स्टूडेंट तो प्रोडक्ट का नाम बताइए, कौन कौन सी रिडक्शन की थी, एक क्लीमेंसन रिडक्शन बताई थी, टिन और HCl यूज किया था जिसमें कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर इसको तोड़ के HH लगा दिए, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया था, कुछ रिएक्शन याद आई, यस, तो क्या प्रोडक्ट बना स्टूडेंट्स, CH3 CH2 CH3, ये एल्केन्स बन गए, इससे ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन ये वाला ग्रुप निकल गया और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग गई स्टूडेंट, रिडक्शन हो गई, किस चीज की रिएक्शन है, रिडक्शन की रिएक्शन है ये, यस सर, वेरी गुड, तो आपने कर ली। Arrange the following compounds in increasing order of the property as indicated. अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको acidity के order में बनाना है student. अब acidity of carboxylic acid पे बहुत important है, question आएगा paper में, आपको पता है कि question किससे लिया गया है, carboxylic acid से, तो carboxylic acids की acidity के बारे में आपको पता है क्यों होती है student? तो ये क्या बनाते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और एच प्लस, तो ये रेजोनेंस में, ये इसका रेजोनेंस होता है आपको पता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो होंगे वो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो क्या करेंगे, एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। तो अब बताओ, आपके पास एक मिनट का वक्त है, इसका ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एसिडिटी के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी भी मैं एसिडिटी की बात करता हूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट एसिडिटी के ऊपर,
ये बताया था मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन सा है इनमें सबसे, बताओ। से सब CH2, इस पे NO2 लगा, इस पे फ्लोरीन लगी, इस पे CH3O लगी और ये HCOH है। इनका ऑर्डर बताइए स्टूडेंट, ऑर्डर बताइए। सबसे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन सा है? देखो यहाँ पर आपके पास है CH2, COO, ये नेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन सा है? NO2, उसके बाद कौन सा है? फ्लोरीन, ठीक है। और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्लस आई है, ये सब माइनस आई है। समझ में आया? तो फिर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड होना चाहिए? क्वेश्चन में क्या आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक मिनट का वक्त है, जल्दी से करिए। NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा जिसके ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। NO2 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद फ्लोरीन है, जहां पे फ्लोरीन लगी हुई है, और उससे कम फिर ये वाला होगा, और इस ये वाला ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये सबसे वीक है। यस सर, ये ऑर्डर एग्जाम में लिखना है। समझ में आया? इंक्रीजिंग बोला था ना उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है स्टूडेंट। यस सर। अब ये कहता है कि ये आपको कंपाउंड दिए हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HC। अब बताओ कि आपको मैंने रिएक्शंस बताई थी कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है? ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, CN- जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यस सर। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है? जहां पे ये कार्बन सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा कार्बन स्टूडेंट, उतना फास्टर ये रिएक्शन होने वाली है। तो एल्डिहाइड्स तो कीटोन से ज्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं, इस बात का आपको ऑलरेडी पता है। और एरोमेटिक वाले क्या होते हैं? यहाँ पे एरोमेटिक भी है, इनके स्ट्रक्चर आपको समझ में आने चाहिए। पहले स्ट्रक्चर क्या है, देखो क्या क्या दिया है। एसीटोन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एसीटोन CH3COCH3। एसिटाल्डिहाइड का भी पता है, CH3CHO। बेंजाल्डिहाइड का क्या, ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है CHO ग्रुप। और एस्टोफिनोन क्या होता है? ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है स्टूडेंट्स, एसिटोफिनोन। Yes. तो फिर आपको पता ही है कीटोन एल्डिहाइड से कम होते हैं और एरोमेटिक वाले और भी कम होते हैं, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस हो जाती है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की कम हो जाती है। अब आपके पास एक मिनट का वक्त है इसका आंसर करने के लिए। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। yes, sir. यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड टूट के क्या बनता, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो कौन सा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स? आपको बताया था एल्डिहाइड कीटोन से सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिटाल्डिहाइड होगा। yes, sir. उसके बाद एसीटोन आएगा। कीटोन्स तो कम होते हैं इनसे, लेकिन वो एरोमेटिक वाले हैं कीटोन्स। और फिर एरोमेटिक में भी दो हैं, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, आपको पता है। yes, sir. कीटोन में वो CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। तो फिर यहां पर क्या आया इसके बाद, बेंजाल्डिहाइड, और फिर लास्ट में कौन सा आया, एसिटोफिनोन। कहां पर है ये रहा? यस सर।
तो ये ऑर्डर हमें एग्जाम में लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट इस तरह से चलेगा, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया स्टूडेंट्स, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बताओ, एक मिनट का वक्त है, जल्दी से बताओ इसमें क्या बनने वाला स्टूडेंट्स। कौन सी रिएक्शन है ये, आपने पढ़ी तो थी ये रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं। जब क्या होता है, जब CN HCN ऐड होता है तो क्या साइनोहाइड्रिन बनते हैं, साइनोहाइड्रिन बनते हैं, आपको इस रिएक्शन का पता है स्टूडेंट। यस सर। तो क्या बनेगा फिर साइनोहाइड्रिन, ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइनोहाइड्रिन बन गया। साइनोहाइड्रिन बना है, यस सर, साइक्लोहेक्सेन साइनोहाइड्रिन बना है। ये क्या है, सोडा लाइम के साथ जब हम हीट करते हैं सोडियम साल्ट्स को तो क्या होता है स्टूडेंट, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने पढ़ी थी, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, ये क्या बनाता है स्टूडेंट, लॉस ऑफ, आपने पता डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शंस आपने पढ़ी थी स्टूडेंट, याद करो क्या बताया था आपको, बेंजीन बन जाएगी और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा Na2CO3, और ये फर्दर हीट सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती। यस सर। अब ये डाइबाल अच्छा आ गया, आपको रिड्यूसिंग आपको बताया था कि कैसे हम यूज करते हैं इनका, प्रेपरेशन कौन से प्रेपरेशन हमने की थी स्टूडेंट डाइबाल एच से, याद करो क्या क्या रिएक्शन की थी डाइबाल एच से स्टूडेंट, याद करो, एक मिनट का वक्त है। ये डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करता, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, और फिर हाइड्रोलिसिस भी हुई है स्टूडेंट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, एल्डिहाइड बनेगा सर, एल्डिहाइड बनेगा। यस सर। कौन सा, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया, ब्यूट टू इन ऑल, ऐसे क्वेश्चन आने वाले, डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता डाइबॉल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस डाइबॉल के बारे में जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आने वाले पेपर में, हर बार मैंने कहा कि कम से कम 2 नंबर के टेस्ट आएंगे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जैसे पिछली बार हमने डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को, हमने हिंजबर्ग टेस्ट किया था, हिंजबर्ग टेस्ट किया था, और प्राइमरी अमीन के लिए एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए कार्बाइल अमीन टेस्ट भी होता है, पंजेंट सी स्मेल आती है, वो भी हमने किए थे। अब यहाँ पर इन दो को डिस्टिंग्विश करना, तो कौन सा टेस्ट करोगे, कौन सा टेस्ट करोगे स्टूडेंट, ए में कौन सा टेस्ट करोगे सर, 2 मिनट सर,
अच्छा हम सर टॉलरेंस रिएजेंट थे, टॉलरेंस हाँ, रिएजेंट टेस्ट टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट किसके लिए यूज होता है बताओ, बार बार बताया टॉलरेंस रिएजेंट या सिल्वर मिरर टेस्ट बताया आपने। यस सर। हम सर ये कहते हैं ब्यूटेनॉल विल गिव सिल्वर मिरर, कहते हैं जैसी कोटिंग थी ब्यूटेन। तो ब्यूटेनॉल एक एल्डिहाइड है, तो ब्यूटेनॉल क्या करेगा, ब्यूटेनॉल विल गिव सिल्वर मिरर, ठीक है, ये यस रिड्यूस सर। करेगा सिल्वर। तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है स्टूडेंट, याद होना पड़ेगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, यस ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी जब। फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में हमने कौन सा फार्मूला बताया हुआ है, ए जी एन एच 3 2+, ये सिल्वर है, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है जो रिएक्शन में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो रिएक्शन आपको यस पता सर। है कि बुक में कौन सी रिएक्शन दी है, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी खोलो और देखो रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, 2 Ag NH3 2+, ये सिल्वर, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है और हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किया जाता है स्टूडेंट। तो ये क्या हाँ बनाएगा, क्या बनाएगा, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपको पता है, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया और फिर क्या बना स्टूडेंट, सिल्वर की मिरर बन गई, इसमें क्या बना, यस सर। सिल्वर की मिरर बन गई, ये सिल्वर मिरर है, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से ही जानी जाती है, यस सर। ये सिल्वर मिरर बन गई इसमें, तो सिल्वर मिरर टेस्ट ही कहते हैं इसको। और फिर क्या हुआ, अमोनिया बाहर आएगा आपका, 2 और 2, ये 4 अमोनिया बाहर आ गए, और वाटर भी आपको दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पर कितने, 3 OH हैं, तो और एक तो इधर चले गई ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन इधर चले गई है, 2H2O, 2H2O, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, ये देगा हमें, ठीक है, यस सर ब्यूटेनॉल विल गिव, ठीक है, सिल्वर टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते, ये यस नहीं सर। देगा, ब्यूटेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा, यस सर। ठीक है, ब्यूटान टू ऑन कीटोन है ये, डज नॉट, ठीक है, गिव यस सर। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, यस यस सर। नो सिलेबस। कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, चलो ये टेस्ट कीटोन तो देगा नहीं। यस सर। सेकिन बेंजोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे टेस्ट करते हो स्टूडेंट, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो एफर्विसेंस होगी, एफर्विसेंस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स निकलेंगे स्टूडेंट, एक तो वो टेस्ट हमने किया था। दूसरा हमने क्या किया कि फिनोल है उसके अंदर फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, यस सर। फिनोल जो होता है स्टूडेंट दैट रिएक्ट्स विद FeCl3, तो यस FeCl3 सर। के साथ फिनोल रिएक्ट करेगा और फेरिक फिनोक्साइड कॉम्प्लेक्स बनेगा, वायलेट कलर मिलेगा, वायलेट कलर इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट बहुत बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, वायलेट कलर का, तो C6H5OH है, फिनोल है ये मेरा फिनोल है, इसको हमने FeCl3 के साथ रिएक्ट किया स्टूडेंट, तो इसने बनाया FeOC6H5, एक कॉम्प्लेक्स आयन बना स्टूडेंट 3- का, और ये बना 6HCl, ठीक है, Cl भी है और यस H सर। भी है, तो ये एक वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता, और अब वो जो बेंजोइक एसिड है वो एक बफ कलर की प्रेसिपिटेट बनाएगा फिनोल के साथ, फिनोल के साथ स्टूडेंट, यस इसको भी सर। नोट कर लो, ऐसे टेस्ट पेपर में आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आने हैं टेस्ट वाले, इंपॉर्टेंट है,
अब कह रहा है रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब ये गैल्वेनिक सेल बनाना है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कौन सा है स्टूडेंट वो बताना है और इनकी रिएक्शंस लिखनी है. आपके पास एक मिनट का वक्त है. यस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे इंपॉर्टेंट है आपको ऑलरेडी पता कि इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सेल का तरीका मैंने क्या बताया था एबीसी एनोड लेफ्ट पर बीच में साल्ट ब्रिज और फिर कैथोड. तो यहाँ पर एनोड कौन सा है, एनोड कौन सा है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ZnS एस इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है स्टूडेंट. ZnS की ऑक्सीडेशन हो रही है स्टूडेंट और साल्ट ब्रिज आ गया और कॉपर सिल्वर की क्या हो रही है रिडक्शन. Yes, sir. तो ये तो मेरा सेल बन गया, एक नंबर मिला यहाँ पर. अगर मैंने ये लिखा विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, बोलो कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है. ये गैल्वेनिक सेल जो हमने पढ़ाए थे स्टूडेंट, गैल्वेनिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है आपको बताया तो था, बना के दिखाया भी था मैंने. यहाँ पर हमेशा एनोड नेगेटिव होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाता है, वहां बैटरी लगाई जाती है बाहर से. राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच इलेक्ट्रोड. तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है. और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है. yes, sir. तो लिखनी है रिएक्शन, हमें लिखनी है कैथोड पे क्या होता है. कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन के, ये लिखना है. तो इस तरह से हमें एक 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 नंबर है, एक नंबर और एक नंबर, तीन नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर. अब कितने कूलम्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं स्टूडेंट्स, एक मिनट का वक्त है आपके पास, सॉल्व करिए जल्दी से. फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन एज पर द इक्वेशन. जब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है रिएक्शन की, आपको दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है, वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है. यहाँ पर ऑक्सीडेशन में चार इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, दिख रहे हैं चार इलेक्ट्रॉन. यस सर, चार इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं आपके सामने स्टूडेंट. यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोजन जीरो में था, ये हाइड्रोजन की जीरो है, ये माइनस टू है, ये हाइड्रोजन किसमें आ गया, प्लस वन में. तो एक हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन एटम है तो चार प्लस में आया, मतलब एक हाइड्रोजन का एक प्लस में चेंज हो रहा है. ठीक है, H2O से प्लस वन में जा रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है.
ऑक्सीजन तो माइनस टू है, यहाँ भी माइनस टू है स्टूडेंट, तो चार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब दो मोल एच टू ओ के से दो मोल एच टू ओ कितने यू, कितने यूज कर रहा है, फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर, फोर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, एक फेराडे के, मतलब चार फेराडे यूज कर रहा है दो मोल, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन कितना यूज करेगा, चार बाई दो, दो फेराडे। अब कूलम्स में निकालना है, तो एक फेराडे में कितने कूलम्स होते हैं, नंबर ऑफ कूलम्स कह रहा है, तो नंबर ऑफ कूलम्स कितने हो गए स्टूडेंट, 2 × 96,500 कूलम्स। ये आंसर आया इसका, जितना भी आएगा इसको सॉल्व कर लो कूलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, सामने स्टोइकोमेट्री ऑफ द इक्वेशन दे रखी है, तो जो फेराडे लॉ मैंने बताए थे उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सोचना है और समझना है, ये भी कर लोगे तुम। अब क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आना ही आना है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। अब ये आपके सामने सेल है, इनकी नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हो, नर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, कैसे लिखते हो नर्स्ट इक्वेशन, ई नॉट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ, लॉग ऑफ ऊपर क्या होते हैं प्रोडक्ट्स, और नीचे क्या होते हैं स्टूडेंट रिएक्टेंट्स, यही होता है लॉग ऑफ क्यू, नर्स्ट इक्वेशन क्यू क्या होता है, ऊपर क्या होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपको मैंने बताया था कोई भी रिएक्शन जब मैंने लिखी थी ए ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, तो इसका क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ मोलर का सी पावर सी डी पावर डी ए पावर ए, यही बताया था, बोलो रिएक्शन कोशेंट। यस सर, तो फिर रिएक्शन अगर मैं पहले वाला ले लूं, पहले वाला केस ले लूं, तो कैसे करेगा, एक मिनट का वक्त है जल्दी करो, एक मिनट का वक्त है। इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं वो हमें देखने हैं, तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, Mg की हुई है ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स, और कॉपर की हुई है रिडक्शन स्टूडेंट्स। यस सर, दो से दो इलेक्ट्रॉन काटने बैलेंस किया मैंने, तो नेट रिएक्शन क्या है, नेट रिएक्शन क्या है, MgS कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स मी Mg 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर एस, तो ये Q की वैल्यू है इस फार्मूले से, फिर इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा E नॉट सेल, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 0.059 भाई, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं भाई, दो दो, यस सर, दो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन दे रहा, दूसरा दो इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो यहाँ पर लॉग है, इसके अंदर क्या आएगा, ये वाली जो वैल्यू होती है ये ऊपर आ जाती है, देख रहे हो इसमें बैलेंस्ड है, इसमें तो कोई 1, 2, 3 यूज नहीं है स्टोइकोमेट्री, तो मैग्नीशियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन मोलर की, सॉलिड की वैल्यू 1 होती है, आपको बताई हुआ है जो प्योर सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं 1 होते हैं, तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, इस सेल में ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, देखो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट निकालना है, यहाँ पर ई राइट कौन सा है, कॉपर वाला, तो कॉपर वाले की वैल्यू कितनी है प्लस 0.34, माइनस माइनस कितना है इसका लेफ्ट वाला मैग्नीशियम की कितनी है माइनस 2.37, कितना आ गया ये 0.34 प्लस 2.37, कितनी वोल्ट आई, इनको जमा करो कितना वोल्ट आ रहा है, आंसर ये है 2.71 वोल्ट आ गया। यस सर, तो ये वाली वैल्यू है हमारे पास प्लस 2.71 माइनस 0.059 बाई 2 और लॉग ऑफ
मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.001 यस सर और कॉपर की कितनी है वो भी सेम है नो ये तो कितनी है फिर 0.001 ही तो है यहाँ पर क्या दे रखा हाँ सेम ही दे रखी है यस सर के कुछ फर्क होना चाहिए गलत दिया है 0.00 ये 0.001 है एक्चुअली में गलत है यहाँ पर क्वेश्चन तो फिर वैसे ही कट गया चेंज कर लो इसको यह 0.0001 तो ये है 0.0001 तो ये फिर क्या आ जाएगा log 10 आ जाएगा ये यस सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी log 10 की वैल्यू 1 होती है लॉग की वैल्यू दी नहीं इसने इसको एग्जाम में देगा वो लॉग की वैल्यू एग्जाम में लॉग की वैल्यू हमें देगा स्टूडेंट्स तो फिर कितना आंसर आया इसका ई सेल का +2.71 -0.059/2 ये log 10 1 हो गया तो ये इससे कुछ कम हो गई वैल्यू कितनी कम हुई है कितना आंसर आया इसको माइनस करके देखो कितना आ रहा है आंसर इसके करीब आ जाएगा यस सर 7 ये थोड़ा कम आएगा इससे थोड़ा ठीक है ये आंसर आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन एक आने वाला पेपर में मैं पक्का बता दूं तुम्हारे एग्जाम में इस क्वेश्चन में कोई डाउट है नो सर देखो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें चलो इससे पहले कि हम इसको बंद करें एक क्वेश्चन और ले लें सेकंड वाला उसमें क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में नॉन-स्टिक इक्वेशन किसकी लिखनी है FES Fe2+ आपके पास है एक 2 मिनट का और 1 मिनट का वक्त है इसको सॉल्व करो फटाफट इम्पोर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है मैं बता दूं फिर ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर यस सर एक क्वेश्चन आने वाला है इसको तुम्हें पक्का करना है कुछ भी हो जाए क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस होती है तो प्लैटिनम के सरफेस पे रिएक्शन की जाती है किसके सरफेस पे की जाती है प्लैटिनम के अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट तो इसकी इक्वेशन क्या है देखो यहाँ पर आयरन की ये एनोड है ऑक्सीडेशन हो रही है आयरन ठीक है तो आयरन की तुमने कर दी ऑक्सीडेशन स्टूडेंट यस सर हाइड्रोजन की कर दी तुमने रिडक्शन स्टूडेंट्स दो इलेक्ट्रॉन है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ठीक है तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए ये मेरा एनोड है यहाँ पे एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन कैथोड पे क्या हो रही है रिडक्शन यस सर तो आप बताओ कि नेट रिएक्शन ये कैंसल हो गया तो नेट रिएक्शन क्या बनी FES2H+ यस सर एक्वस लिखो और ये गैस है चलो तो और क्या बना फिर Fe2+ एक्वस ठीक है Fe2+ एक्वस बन गया और क्या बना फिर NH2 बचा सर H2 तो ये हमारी नेट रिएक्शन अब इसने ये रिएक्शन ली है मेरे को आयरन और हाइड्रोजन 1 मोलर है 1 बार है देखो ये भी इसने दिया है हाइड्रोजन 1 मोलर और 1 बार प्रेशर दिया हुआ है इसका प्रेशर भी दिया हुआ है 1 बार दिया ना तो इसकी नॉन-स्टिक इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट अब देखो ई सेल is equal to E cell is equal to E naught cell -0.059/N log of क्या बना फिर Fe2+ और ये यहाँ पे क्या बना ये हाइड्रोजन है इसका प्रेशर उसने दिया ही है 1 बार दिया है ना 1 बार यस सर तो चलो वो बाद में कैंसिल कर दूंगा मैं और नीचे क्या बचा H+ का स्क्वायर सॉलिड की 1 होती है सॉलिड की 1 होती है तो फिर क्या बन गया अब आपके पास आ गया E नॉट सेल -0.059 2 इलेक्ट्रॉन चले हैं ट्रांसफर कितने हो रहे हैं 2
ठीक है, log ऑफ Fe2 plus divided by H plus का स्क्वायर। यस सर। तो कितनी कितनी कंसंट्रेशन दी है आपको? E नॉट सेल निकाल लो, E नॉट सेल कितना आएगा? E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। राइट पे क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? हाँ वो देगा नहीं, तुम्हें पता ही है कितनी वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, जल्दी बताओ। जीरो वोल्ट। हाँ जीरो वोल्ट होती है सर। अरे वन बार है और वन मोलर कंसंट्रेशन दिया है ना, जीरो होती है। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है, जीरो है। तो E yes, L आयरन की कितनी दे रखी थी हमें? यहाँ दे रखी आयरन की माइनस पॉइंट फोर फोर। यस सर। माइनस पॉइंट फोर फोर, तो ये कितनी बन गई? प्लस जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट आ गया। यस सर। E नॉट सेल, एक क्वेश्चन आएगा पेपर में इसलिए करवा रहा हूँ बार बार। ये कितना आया? प्लस 0.44 माइनस 0.059 बाई 2। तो लॉग ऑफ आयरन की कंसंट्रेशन कितनी दी है क्वेश्चन में? 0.001। यस सर। 0.001 दी है और एच की 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होएगा। तो ये वैल्यू निकालनी है लॉग ऑफ 10 माइनस 3। Yes, क्या आएगा? माइनस थ्री लॉग ऑफ 10, तो ये माइनस माइनस थ्री आ गया। यस सर। हम सर लगे थे मेरी क्लास अभी इन 5 बस मिनट्स ये मैं खत्म हो गया, एक बस yes, खत्म कर रहा हूँ। इसलिए ये कितना आया? 0.059 बाई 2 इंटू माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, जो भी आएगा आप इसको निकाल लो। तो ये वैल्यू जो है ये प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। इसका आंसर अराउंड 0.528 ऐसे कुछ आने वाला है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? यस सर। तो ठीक है, फिर ये सैंपल पेपर हमने खत्म किया और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस तरह से हम कई बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इनको करना है, पक्के तरीके से करना है। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। यस सर। ओके, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।